नमस्कार, मैं कुलदीप शर्मा आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है डिस्कवरिंग नॉलेज विद विश्वनाथ मिश्रा, और सभी का स्वागत करता हूँ। और सर हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं सर का भी स्वागत करता हूँ। नमस्कार। और आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यवस्था सिद्धांत पर, सिस्टम थ्योरी। सर, मैं पहला जो क्वेश्चन है उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि अक्सर नेचुरल साइंसेस के फील्ड में हों या फिर सामाजिक विज्ञान के जो क्षेत्र हैं उनमें भी ये व्यवस्था सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी की का जिक्र आता है, तो ये क्या है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। कुलदीप, और आपके माध्यम से सभी सुनने वालों का, मैं देखने वालों का अभिवादन करता हूँ। व्यवस्था सिद्धांत के बारे में हम लोगों के राजनीति शास्त्र में एक अध्यापक हुए, लेखक हुए, वीपी वर्मा कहा करते थे कि एक समय प्राकृतिक विज्ञानों में जितना न्यूटन का प्रभाव था, लगभग वैसा ही प्रभाव सामाजिक विज्ञानों में व्यवस्था सिद्धांत का हुआ। व्यवस्था सिद्धांत सामाजिक विज्ञानों में तो बहुत देर से आई, लेकिन सबसे पहले यह मेडिकल साइंस में आया। मेडिकल साइंस में वॉन वर्टालैम्प ही एक विचारक हैं, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रयोग किया चिकित्सा विज्ञान में। चिकित्सा विज्ञान के बाद देखिए तो रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की, इन लोगों ने जो ट्राइबल स्टडीज थे या एंथ्रोपोलॉजी था, उस फील्ड में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग किया। और फिर आगे चल करके टालकट पार्सन्स ने इसका समाजशास्त्र में प्रयोग किया, और सामाजिक विज्ञानों में कहिए तो ये काफी देर से राजनीति शास्त्र में आया। डेविड स्टन का नाम हम जोड़ते हैं कि वे राजनीति सिद्धांत, राजनीति शास्त्र में व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब यदि यह मैं बताने की कोशिश करूं कि यह व्यवस्था सिद्धांत क्या है, तो उसके पहले यह बताने की जरूरत पड़ती है कि व्यवस्था क्या है। अब उदाहरण के लिए देखिए कि जो हमारा शरीर है वह भी एक व्यवस्था है। इस कमरे में जो हम आप वार्तालाप कर रहे हैं, और इस वार्तालाप में देखिए तो बातचीत करने का तरीका तय है, बातचीत करने में भाग लेने वाले यूनिट तय हैं, ये सब व्यवस्था है। आप बनारस में हम लोग बात कर रहे हैं तो बनारस भी एक व्यवस्था है। बनारस से और बड़ा देखें तो उत्तर प्रदेश व्यवस्था है, फिर भारत भी आप एक व्यवस्था कह सकते हैं, और फिर ये जो दुनिया है वो भी व्यवस्था है। और उस हिसाब से और बड़े पैमाने पे चल जाइए तो ये यूनिवर्स भी एक व्यवस्था है। पर ऐसा कह देने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आखिर व्यवस्था क्या है, इसलिए हमको इसे परिभाषित करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम यहां समझें कि जो ऑर्गेनिज्म है, शरीर विज्ञान है, शरीर विज्ञान के अध्ययन की जो परिपाटी रही है, और जिस तरीके से कोई शरीर, कोई ऑर्गेनिज्म काम करता है, इसका बहुत प्रभाव रहा है व्यवस्था सिद्धांत को विकसित करने का। और वहां से जो चीजें आई हैं वो सभी जगह प्रायः उसी रूप में स्वीकार की गई। तो व्यवस्था होने के लिए जरूरी कुछ चीजें होती, पहली जरूरी चीज है यूनिट्स का होना, मतलब इकाइयों का होना। शरीर का ही उदाहरण लीजिए तो इस शरीर में हमारे हाथ, नाक, आंख, ये सब यूनिट्स हैं। पर ये यूनिट्स कैसे हैं, तो ये यूनिट्स इंटरडिपेंडेंट हैं। तो एक चीज हो गई यूनिट्स का होना, दूसरी चीज हो गई उनमें एक तरह की निर्भरता का होना, परस्पर निर्भरता का होना, और एक तीसरी चीज होती है कि इनका कार्य करने का तरीका निश्चित होता है, किसी न किसी निश्चित तरीके को फॉलो करते हैं ये,
इनका जो फंक्शन का फंक्शन करने का जो पैटर्न होता है उसमें कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का उल्लंघन हो तो व्यवस्था नहीं चल पाती है। इस चीज को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हम प्रतिदिन हाथ से भोजन उठाते हैं और मुंह में डालते हैं, ये सेट पैटर्न है। जिस दिन भी हम भोजन उठा करके मुंह में डालने के बजाय नाक में डालने लग जाए, कान में डालने लग जाए, उस दिन क्या होगी, ये जो हमारे शरीर रूपी व्यवस्था है वो तकलीफ में पड़ जाएगी, नष्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो तीन चीजों पर ध्यान दीजिए। व्यवस्था होने के लिए जरूरी है कुछ यूनिट्स का होना, दूसरा उस यूनिट्स में एक तरह की इंटरडिपेंडेंसी होना, और तीसरी बात है उनके कार्य करने का एक निश्चित तरीका होना। एक फोर्थ एलिमेंट आता है कि ये व्यवस्था है क्यों, तो वो व्यवस्था किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए होती है। ठीक है, शरीर का भी उद्देश्य है, समाज भी एक व्यवस्था है तो समाज का भी इसी तरीके से उद्देश्य, और ये चारों चीजें समाज में भी मिलती हैं। इसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था भी एक सिस्टम है और इसमें भी ये चारों चीजें पाई जाती हैं। मतलब इसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, उनमें एक तरह की इंटरडिपेंडेंसी है, इनका कार्य करने का निश्चित तरीका है और इसका कुछ उद्देश्य होता है, इसे हम व्यवस्था कहेंगे। अब आती है बात कि फिर व्यवस्था सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो व्यवस्था सिद्धांत किसी भी ऐसी गिवन यूनिट, जिसे आप सिस्टम कह लीजिए, वह कार्य कैसे करता है, इसको जानने का एक माध्यम है। ठीक है, मतलब कोई जो व्यवस्था है वह काम कैसे करती है, काम क्यों करती है, किस तरीके से काम करती है, यह जानने का प्रयास व्यवस्था सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। तो व्यवस्था सिद्धांत की आखिर आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों इसको विकसित किया गया, या फिर ये कहा जाए इसका जन्म कैसे हुआ। देखिए, आप यदि सामाजिक विज्ञानों में जाएं तो सामाजिक विज्ञानों में जब आप महायुद्ध के बाद आते हैं तो वहां देखते हैं कि प्रायः सभी समाज विज्ञान की शाखाओं में, वह मनोविज्ञान हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, वहां पर पहले क्या हो रहा था कि जो अध्ययन का तरीका था वह मानकीय तरीका था, उसको हम लोग नॉर्मेटिव अप्रोच कहते थे, या कई बार इसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, संस्थावादी दृष्टिकोण कहते थे, जिसमें जानने की कोशिश यह की जाती थी कि कोई संस्था है वह बनी कैसे है, कौन से लोग उसमें भाग लेते हैं, उसका इतिहास क्या है, उसका महत्व क्या है, यह विवरणात्मक तरीके से पढ़ा पढ़ाया जाता, इसको नॉर्मेटिव अप्रोच कहते थे। लेकिन इस अप्रोच से स्टडी करने पर यह पता नहीं चलता था कि हम जिनका भी स्टडी कर रहे हैं वे वास्तव में करते क्या है। एक विचारक हैं हिंद युलाउ, उन्होंने कहा कि यदि आप 40-50 के दशक में अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को पूछते कि आर्थिक क्रिया करते हुए व्यक्ति क्या करता है, तब वह आपको बता सकता था कि आर्थिक क्रिया करते हुए व्यक्ति उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण की गतिविधियों में भाग लेता है। लेकिन उसी दरमियान यदि आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी से पूछते कि राजनीतिक क्रिया करते हुए व्यक्ति क्या करता है, तब शायद वह आपको नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता, क्योंकि तब वो लोकसभा का अध्ययन कर रहा था, राज्यसभा का अध्ययन कर रहा था, राष्ट्रपति का अध्ययन कर रहा था, संघवाद का अध्ययन कर रहा था, और ऐसा करते हुए विद्यार्थी या जो उस वक्त का लेखन था उसमें
ये संस्थाएं बनी कैसे, इन संस्थाओं में कितने सदस्य होते हैं, इन संस्थाओं में ये जो संस्थाएं हैं इनका क्या महत्व है, इन चीजों का अध्ययन किया जाता था। पर तब इन चीजों का अध्ययन नहीं किया जाता था कि जो व्यक्ति चुन करके इन संस्थाओं में आए हैं, या चुन करके नहीं आए हैं, मान लिए नियुक्त होकर के आए हैं, तो वे क्यों कार्य करते हैं, किसके लिए कार्य करते हैं, किससे प्रभावित होकर के कार्य करते हैं, उनके कार्यों का परिणाम क्या होता है, इसका अध्ययन तब नहीं होता था और वो नॉर्मेटिव अप्रोच के अंतर्गत पॉसिबल भी नहीं था। तो जो नॉर्मेटिव अप्रोच थे उनके विरुद्ध जो एक प्रतिक्रिया आ रही थी, उस प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है कि व्यवस्था सिद्धांत को विकसित होने के लिए एक आधार मिला। एक तो ये चीज हुई। दूसरे तरीके से इसे कहें तो जो परंपरागत उपागम थे, जो क्लासिकल अप्रोच थे जी, उनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया है उसके विरुद्ध व्यवस्था सिद्धांत को हम विकसित होते हुए देखते हैं। ये एक बात हुई जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसा समय था जब पश्चिम की संस्थाओं को गैर पश्चिमी मुल्कों ने अपनाया, लेकिन देखा यह जाने लगा कि वही संस्थाएं पश्चिम में जिस तरीके से कार्य कर रही थीं, उसी तरीके से वो संस्थाएं उन देशों में नहीं कार्य कर रही हैं जो गैर पश्चिमी मुल्क थे। तो लोगों को यह भी जानने की जरूरत पड़ी कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो इनके फंक्शनिंग को प्रभावित कर देते हैं और ये दूसरे परिणाम उत्पन्न करने लगते हैं। ये एक दूसरा कारण हो गया था। तीसरा कारण था कि तब विद्वानों में यह जानने समझने की रुचि बढ़ रही थी कि कोई भी जो व्यवस्था है, वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, या शरीर रूपी ही यह व्यवस्था हो, वह कैसे जीवित रहती है, ठीक है, किन परिस्थितियों में, शरीर के लिए कहें तो वह बीमार पड़ जाती है, या समाज या राजनीतिक व्यवस्था के लिए कहें तो वह किन परिस्थितियों में आकर के कमजोर हो जाती है, क्या कमजोर होने के बाद वह नष्ट हो जाती है, या नष्ट होने के पहले अपने रूप में कोई बदलाव ले आती है। ये सब भी लोगों को एक जानने समझने की जिज्ञासा हो रही थी और इस जिज्ञासा के कारण व्यवस्था सिद्धांत विकसित हो रहा था। एक और अंतिम बात कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक समय ऐसा आया जब स्पेशलाइजेशन बहुत बढ़ता चला गया, विशेषीकरण, जो ज्ञान विज्ञान की शाखाओं को वैज्ञानिक बनाने का एक जो मुहिम चल पड़ा था, उसकी वजह से क्या हुआ कि स्पेशलाइजेशन बहुत बढ़ता चला गया और एक ऐसी स्थिति आ गई जिसको हम आपको एक रूपक के रूप में कहें तो बाएं कान का इलाज करने वाला डॉक्टर दाहिने कान में क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ा अनभिज्ञ होता है। और कभी आप देखिए, आप यहां यह भी कह सकते हैं कि व्यवस्था सिद्धांत सबसे पहले मेडिकल साइंस में ही क्यों आया, वो बात यहां स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि हमारे हाथ में कोई कट हो गया, जख्म लग गया जी, पर इसका असर हमारी आंख पर भी हो सकता है, या हमारे आंख में कोई रोग आ गया तो इसका असर हमारे नाक में या कान में भी हो सकता है। मतलब यह हुआ कि ठीक है कि एक ओर ज्ञान विज्ञान के कंपार्टमेंटलाइजेशन की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, लेकिन वास्तव में व्यक्ति का जीवन या समाज का जीवन ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति और समाज का जीवन ऐसा होता है कि वह सब चीजों से प्रभावित होता है और सब चीजों को प्रभावित कर रहा होता है जो एक एनवायरमेंट में है। इसीलिए आवश्यकता यह पड़ी कि इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अलग अलग शाखाओं में जो चीजें विकसित हुई हैं उनका एक एकीकरण किया जाए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया जाए
क्योंकि तभी हम समाज की वास्तविकताओं को, व्यक्ति के जीवन की वास्तविकताओं को और राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं को सही तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए देखिए कि सबसे पहले यह मेडिकल साइंस में आया। मेडिकल साइंस में आने का मतलब ही है कि यह शरीर बहुत चीजों से प्रभावित होता है ना। उसके बाद यह एंथ्रोपोलॉजी में आया। इसका भी वजह है कि आप ट्राइबल लाइफ को देखिए तो उनके यहां विशेषीकरण हमारे आपके समाजों की तरह नहीं होता है। उनके जीवन में आर्थिक क्रियाकलाप अलग हो, राजनीतिक क्रियाकलाप अलग हो, धार्मिक क्रियाकलाप अलग हो, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ऐसा होता है कि जो व्यक्ति उनके जीवन में धार्मिक कार्यों में नेतृत्व कर रहा है, वही कभी शिकार जो उनकी आर्थिक क्रियाकलाप है वहां भी नेतृत्व कर रहा है, वह विवाद के स्थिति में निर्णय भी दे रहा है। ठीक है, तो यदि कोई बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला व्यक्ति वहां जाकर के स्टडी करता तो उसको स्टडी करने में दिक्कत होती। तो वहां इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत थी और इसके लिए भी यह व्यवस्था सिद्धांत विकसित होकर के आया। ठीक है, तो इसमें एक जनरल सिस्टम थ्योरी, ये क्या है, टर्म आता है? जब भी हम व्यवस्था सिद्धांत की बातचीत करते हैं तो उसमें जनरल सिस्टम थ्योरी का जिक्र हुआ करता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मेडिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सबों में सिस्टम थ्योरी आया, हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, सब जगह आया। तो एक मूल धारा है हर विषय में सिस्टम थ्योरी की, उसको हम लोग कहते हैं जनरल सिस्टम थ्योरी। और उस जनरल सिस्टम थ्योरी के आधार पर अलग अलग तरह के सिस्टम को समझने के मॉडल बने। हम आपको पॉलिटिकल साइंस से एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे डेविड ईस्टन को कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में ये जनरल सिस्टम थ्योरी के प्रतिपादक हैं, ठीक है, लेकिन उनके मॉडल को लेकर के कुछ दूसरे विचारकों ने भी सिस्टम थ्योरी डेवलप किए जो राजनीतिक जीवन के अलग अलग पक्षों को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो इसी तरीके से जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में एक जनरल सिस्टम थ्योरी डेविड ईस्टन का है जिससे लोग इंस्पायर होकर के अलग अलग मॉडल डेवलप किए, इसी तरीके से और विषयों में भी है। तो जो मूल धारा है उसको जनरल सिस्टम थ्योरी कहते हैं और उस मॉडल के आधार पर जो दूसरे विचारकों ने फिर अपनाया वो अलग अलग सिस्टम थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, जैसा पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति शास्त्र है उसमें कौन कौन से मॉडल हैं? हाँ, एक तो जनरल सिस्टम थ्योरी में डेविड ईस्टन का नाम लिया, जिनको इनपुट आउटपुट मॉडल या और या फिर आगत निर्गत मॉडल या आगत निर्गत उपागम भी कहते हैं। ये जनरल सिस्टम थ्योरी है और ये पूरे पॉलिटिकल साइंस का चाहे कोई भी ब्रांच हो उसमें अप्लाई होगा। लेकिन इसी को आधार बना करके आमंड और पावल ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच डेवलप किया। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए हो गई। ठीक है, मतलब सिस्टम थ्योरी को यदि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए अप्लाई किया तो आमंड और पावल ने किया, और जो नाम दिया उस सिस्टम थ्योरी को उन्होंने क्या नाम दिया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए मार्टन कॉपलान ने डेवलप किया सिस्टम थ्योरी को, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत ही आप देखेंगे तो इसके और ढेर सारे मॉडल बने। अभी एक तत्काल मुझे डेविड एप्टर का नाम आता है याद, जिन्होंने एक ब्लैक बॉक्स मॉडल डेवलप, ये सिस्टम थ्योरी के अंतर्गत ही है, पर सिस्टम में जाकर के निर्णय कैसे होते हैं इस पर उन्होंने फोकस किया और ब्लैक बॉक्स मॉडल डेवलप किया। ठीक है, तो आपने डेविड ईस्टन का नाम लिया, तो डेविड ईस्टन की जो सिस्टम थ्योरी है उसको थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे सर? डेविड ईस्टन के सिस्टम थ्योरी ये मूल आधार है जी। और जब हम डेविड ईस्टन के सिस्टम थ्योरी पर चर्चा कर लें तो सिस्टम थ्योरी इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है कि भाई सिस्टम थ्योरी के अंतर्गत हम अध्ययन कैसे करते हैं और किसका करते हैं। तो देखिए कि 1953 ईस्वी में द पॉलिटिकल सिस्टम
नाम से डेविड हिस्टन ने एक किताब लिखी, और आगे चल करके 1965 में उसी को और डेवलप किया और उसका नाम दिया अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो ये दो रचनाएं ऐसी हैं जिसमें डेविड हिस्टन अपने व्यवस्था सिद्धांत की स्थापना करते हैं। जनरल सिस्टम थ्योरी कहा जाता है डेविड हिस्टन को, के सिद्धांत को हम पहले चर्चा कर लिए हैं। डेविड हिस्टन यह जानना चाहते थे कि कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने को सर्वाइव कैसे करती है। वो यह जानना चाह रहे थे कि कोई राजनीतिक व्यवस्था कैसे डिक्लाइन कर जाती है। वो ये जानना चाह रहे थे कि सिस्टम अपने आप को मेंटेन कैसे करता है, और वो ये जानने की कोशिश में लगे हुए थे कि वो कौन सी वजहें होती हैं, वो कौन से कारण होते हैं जिसके आधार पर कोई सिस्टम कार्य करता है, फंक्शन करता है। और वो पहचानना चाह रहे थे कि ये कार्य करने वाली जो संरचनाएं हैं वो क्या होती हैं, किस प्रभाव में होती हैं, कैसे कार्य करती हैं। तो डेविड हिस्टन ने कहा, बताया कि एक यदि राजनीतिक व्यवस्था का उदाहरण लीजिए, तो एक राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, और यूनिट्स कैसे हैं, वो इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, पुलिस, जेल, न्यायालय, है ना, सेना, ये स्कूल, कॉलेज, ये सब कुछ मिल करके क्या बन रहा है, एक पॉलिटिकल सिस्टम बन रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, उसके यूनिट्स हैं। और कैसे यूनिट्स हैं, इंटरडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, और जिनके कार्य करने का एक निश्चित तरीका है। ठीक है जी। ये सिस्टम होती कहाँ है, तो कहते हैं कि ये सिस्टम होती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम किस एनवायरनमेंट में है, एक सोशल एनवायरनमेंट में है। जैसे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को आप एग्जाम्पल लीजिए कि कहाँ पे है, तो इंडियन सोशल सिस्टम में है। अमेरिका के यदि हम पॉलिटिकल सिस्टम को एग्जांपल लेंगे, तो अमेरिका की पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ है, वह अमेरिका के सोशल सिस्टम में है। ये बातें बड़ी स्पष्ट हैं। अब ये जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम करती क्या है, तो डेविड हिस्टन ने कहा कि यह अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज करती है। मतलब यह मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करती है। अब ये जो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करती है, तो वह कैसे करती है, तो डेविड हिस्टन बताते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके पास मांग आती है, डिमांड्स आते हैं, यही है इनपुट। वो डिमांड कहां से आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये डिमांड दो तरह के होते हैं। एक तो सिस्टम के भीतर से ही डिमांड आते हैं, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर से ही डिमांड आएंगे, विद इन सिस्टम। ठीक है, और दूसरे जो डिमांड है वो कहां से आएंगे, वो एनवायरमेंट से आएंगे। दो तरह के डिमांड आते हैं। वो डिमांड किस तरह के होंगे, तो वो डिमांड होंगे, मान लीजिए एनवायरमेंट से आ रहे हैं, तो क्या होगा कि हमको नौकरी दीजिए, हमारे लिए सड़क की व्यवस्था करिए, हमारे लिए स्कूल कॉलेज खोलिए। ये सब कैसे डिमांड है, वह एनवायरनमेंट से, सोशल सिस्टम से आ रहे हैं। और विद इन सिस्टम, मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसी के भीतर से भी डिमांड आ रहे हैं। वो कैसे आएंगे, एक मंत्री की ओर से डिमांड आएगा, मान लीजिए कि हमको ये वाला मंत्रालय नहीं, वो वाला मंत्रालय चाहिए। ठीक है, या इस सदस्य को मंत्रालय नहीं मिला है, उसको बदल करके यह मंत्रालय उसको दे दिया जाए जी। ऐसे डिमांड कहां से आएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर से आएंगे। ठीक है जी। तो पॉलिटिकल सिस्टम कार्य क्यों करेगी, क्योंकि उसके पास डिमांड आते हैं। एकदम बिल्कुल शरीर की ही तरह समझिए इसको जी। हमको आपको एनवायरमेंट से डिमांड आती है, एक ठंडी हवा आ रही है, एक ठंडी हवा आ रही है तो हम रिएक्ट करते हैं कि नहीं, फिर स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं,
उसी तरीके से ये जो इन्वायरमेंट से और सिस्टम के भीतर से डिमांड आ रहे हैं, उस डिमांड को फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह पूरा करती है। लेकिन कितना पूरा कर पाएगी? जितनी उसकी पास क्षमता हो। मान लीजिए 10,000 लोग नौकरी मिल जाए ऐसी डिमांड कर रहे हैं, पर पॉलिटिकल सिस्टम के पास क्षमता सिर्फ 5,000 लोगों को नौकरी देने की है, तो 5,000 लोगों को नौकरी दे देगी। इसका परिणाम क्या होगा कि समाज से फिर जो मतलब समाज से एक इनपुट आया 10,000 लोगों को नौकरी चाहिए, उस पर एक निर्णय हुई, निर्णय के बाद एक आउटपुट गया, आउटपुट में क्या गया कि 5,000 लोगों को नौकरी दी गई। अब क्या होगा कि इन्वायरमेंट से फिर फीडबैक आएगा। वो फीडबैक कैसा होगा? 5,000 लोग तो संतुष्ट हो गए थे, तो ये सपोर्ट के रूप में इनका फीडबैक आएगा, और 5,000 लोग असंतुष्ट रह गए थे तो असंतोष के रूप में उनका फीडबैक आएगा। इसी की व्याख्या करते हुए फिर मतलब फीडबैक की, फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है पॉलिटिकल सिस्टम में। यदि फीडबैक पॉजिटिव है तो पॉलिटिकल सिस्टम को समर्थन मिलेगा, वो स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, और यदि विरोध मिला तो उसकी मजबूती कम होगी। इसीलिए फीडबैक पर फोकस करने की बहुत अधिक बात करते हैं, बहुत अधिक ध्यान देते हैं डेविड स्टर्न कि ठीक है, पहले एक इनपुट आ गया, वो एनवायरमेंट से आया, पॉलिटिकल सिस्टम की ओर से एक जब फीडबैक चला गया, सॉरी आउटपुट चला गया, तो उस आउटपुट का फीडबैक कैसा आया। अब ये जो फीडबैक आया फिर से क्या होगा, वो फीडबैक कैसे किस रूप में आएगा, वो इनपुट के रूप में आएगा, और फिर से जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगी, और यह लगातार चलता रहेगा। इसका लगातार चलना और किस तरीके से चल रही है वही ये दो चीजों पे निर्भर करता है। एक तो यह कि सपोर्ट आ रहा है फीडबैक के रूप में, या कोई एजिटेशन आ रहा है, विरोध आ रहा है। विरोध कमजोर करेगा राजनीतिक व्यवस्था को, सपोर्ट मजबूत करेगा। ये बात तो यहां तक आकर के कंप्लीट हो जाती है, लेकिन यहां कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो डेविड स्टर्न के सिस्टम थ्योरी को समझने के लिए जरूरी है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंट से या जो विद इन सिस्टम डिमांड आ रहे हैं, इनपुट आ रहे हैं, क्या वो पॉलिटिकल सिस्टम के पास सीधे पहुंच जाते हैं, या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ हर्डल्स होते हैं, क्या होता है? आप इसको पहले अपने व्यावहारिक जीवन में देख लीजिए। समाज में बहुत तरह की मांगे होती हैं, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में उन सभी मांगों पर चर्चा नहीं होती है। नहीं होती है ना, मतलब सब के सब निर्णय के केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां उनको कोई आउटपुट मिल जाए। ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है कि एक ही समय में समाज में बहुत सारे डिमांड्स होते हैं, ठीक, और खुद जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपने को मेंटेन करने के लिए क्या करती है कि वह डिमांड के बोझ तले न दब जाए। तो क्या करती है, जो मीडिया है, जो सूचना के माध्यम है, वो क्या करते हैं कि वो डिमांड्स को सीधे आने नहीं देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के पास। वो क्या करेंगे, वो डिमांड आपस में ही मीडिया चैनल्स में, जो संचार का जाल है, उसमें उलझ जाएगा। कैसे, कोई डिमांड कहीं जनरेट हुई, मान लिए किसी क्षेत्र में कहा गया कि हमको नहर चाहिए, ये डिमांड है, पर क्या होगा कि वो नहर से जरूरी अभी स्कूल बनना था, कोई बोलेगा नहीं स्कूल बनने से अभी अस्पताल बनना जरूरी था, और मीडिया फिर क्या करेगी, इसको इस तरीके से खबर को चलाएगी कि वो सीधे पॉलिटिकल सिस्टम के पास पहुंच नहीं पाएगा। जो इलीट्स होते हैं, जो अभिजन समूह होते हैं, वो भी इस वक्त भूमिका निभाते हैं।
क्योंकि हर एलिट चाहता है कि उसके जो डिमांड है, उसके फॉलोवर के जो डिमांड है, वह पॉलिटिकल सिस्टम के पास जाए। और चूंकि आपस में उनमें असंघर्ष होने लगता है, तो वह एक ऐसा वक्त होता है जहां राजनीतिक व्यवस्था निर्णय का केंद्र अपने को धीरे धीरे तैयार कर चुका होता है। वह उस मांग को पहचानने लगता है कि आने वाले समय में यह मांग आने वाली है और इसको हमें पूरा करना होगा। एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो ऐसा समझ लीजिए कि निर्णय के केंद्र तक मांग को पहुंचने देने में द्वारपाल जैसी, डोरकीपर जैसी भूमिका अदा करते हैं। कैसे? कि जो सत्तारूढ़ दल है वो क्या कोशिश करेगी कि जो उसके फेवर वाले डिमांड है, जो उसकी पार्टी में चुनाव घोषणा पत्र में कहा था उससे रिलेटेड डिमांड है, उनको तो निर्णय के केंद्र तक आने देगी जी। लेकिन जो विरोधी लोगों का था डिमांड, उनकी घोषणा पत्र की चीजें, उनके प्रति वो उस तरह का सकारात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे। तो मीडिया, राजनीतिक दल और जो इलीट कॉन्फ्लिक्ट किसी सोसाइटी का होता है, वह क्या करता है कि वह समाज से आने वाले इनपुट्स को डायरेक्टली उसी फॉर्म में डिसीजन मेकिंग के सेंटर तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, लेकिन यदि ये सब डिमांड वास्तव में राज्य के पास, मतलब निर्णय के केंद्र के पास उसी तरीके से आने लग जाए, तो एक बार तो लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन बाधा क्या है कि इतनी तरह के सभी तरह के मांगों को पूरा करने के लिए राज्य के पास क्षमता नहीं होती है, किसी भी राज्य के पास नहीं। मतलब पाकिस्तान के पास, नेपाल के पास, भूटान के पास, भारत के पास नहीं है, ऐसा नहीं, ये अमेरिका के पास भी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यह जो मांगों के आने में अलग अलग छनना लगाया गया है, तो मांगे छन करके डिसीजन मेकिंग सेंटर्स तक आती हैं। ठीक है जी। तो यहां हमने क्या कहा डेविड डिस्टन के मॉडल को समझाने के लिए, एक तो कहा इनपुट, दूसरा कहा आउटपुट, तीसरा कहा फीडबैक, और चौथा कहा कि सारी मांग जो है वो इसी तरीके से नहीं पहुंच जाती हैं, बल्कि उनको बहुत तरह के इलिमिनेशन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। अब एक बात और बता दें जी। अब मान लीजिए फीडबैक के रूप में स्टेट ने, मतलब पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग सेंटर ने जो कुछ काम किया, फीडबैक के रूप में असंतोष बढ़ता जा रहा है जी, तो क्या राजनीतिक व्यवस्था सीधे नष्ट हो जाएगी? इसको फिर से आप एक बार अपने शरीर से ही तुलना करके समझ लीजिए। जब बाहर से कोई कीटाणु, कोई वायरस हमारे भीतर आ जाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम सीधे मर जाते हैं, हम अपना रूप बदल लेते हैं। रूप बदलने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। आजकल बहुत लोग बहुत कपड़ा पहनने का शौक रहता है ना, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं। जी, मतलब हुआ कि हमको सर्दी हो गई, चेहरा लाल हो जाता है ना, नाक से पानी गिरने लगता है, ये रूप बदल लिया। मतलब ये सिस्टम का वास्तविक लक्षण नहीं है, लेकिन सिस्टम किसी चीज से संघर्ष कर रहा है तो अपने को बचाने के लिए ऐसा कर लिया है। तो आप डॉक्टर से सुनते भी होंगे कि सर्दी खांसी होना अच्छा होता है, क्योंकि क्या हुआ है कि आपके भीतर कोई चीज आ गई है, वो आप उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है जी। तो ऐसे तो सिस्टम अपने को बचाने की कोशिश करता है रूप बदल करके। आप यहां कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के सेंस में यह रूप बदलना क्या है जी। पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए, उन्होंने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया, लेकिन वो डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां चली क्यों नहीं? क्योंकि जो फीडबैक आ रहे थे उस फीडबैक को पूरा करने के लिए वो राज्य सक्षम नहीं था, तो अपने नेचर में चेंज ले आया, वो डिक्टेटरशिप वहां आ गई जी। ठीक है, तो सिस्टम थ्योरी यह भी बताता है कि व्यवस्थाएं परिवर्तित क्यों हो जाती हैं और व्यवस्थाएं नष्ट क्यों हो जाती हैं। अब मान लीजिए डिक्टेटरशिप आ गई, इसके बावजूद
वो क्या करेगी, जितने डिमांड आ रहे थे उसको और प्रतिबंध लगा देगी और अपने को बचाने की कोशिश करती रहेगी। लेकिन इसके बावजूद जब वो अपने को नहीं बचा पाती तो पॉलिटिकल सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो वो ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक अंतिम प्रश्न के तौर पे, क्या आप जो सिस्टम थ्योरी के संदर्भ में गैर पश्चिमी राष्ट्रों में कुछ अंतर देखते हैं? हाँ, कुछ कमी है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपने जो सवाल किया है उसका मतलब ये है कि इस सिद्धांत की हम क्या आलोचना कर सकते जी, है ना। देखिए आप उस समय चले जाइए जब भारतीय समाज स्वतंत्र हुआ जी, वहां से शुरू करते हैं तो कुछ अच्छी रोचक चीजें हमारे सामने आ जाएंगी कि क्यों इस थ्योरी का इस्तेमाल करके हम बहुत सक्सेसफुल रिसर्च नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते। अब क्या है कि सिस्टम थ्योरी में यदि आप पश्चिमी समाज का अध्ययन करते हैं तो लोग वहां जागरूक थे, ठीक है, लोग वहां जागरूक है, उनको अपने अधिकार का, अपने कर्तव्य का पता है जी। उनकी ओर से राज्य व्यवस्था के पास मांग जा रही है तो उनको यह भी पता है कि उनकी जो राज्य व्यवस्था है वो क्या कर रही है, ठीक है, तो वो फीडबैक फिर देते हैं जैसा उनको लगा, निर्णय जैसा भी उनको लगा, मतलब जो उनके लिए अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज की गई, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन जो किया गया जी, मतलब इसको कहिए कि जो दिया गया उनको उस पर वो प्रतिक्रिया देते हैं, वो फीडबैक देते हैं। तो इसलिए जानकारी होनी जरूरी है ना कि मांग क्या थी और उस मांग पर निर्णय क्या हुआ, फिर उस पर आउटपुट क्या आया, तब जाके फीडबैक आएगा। पर भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय के समाज की कल्पना करिए तो लोग डिमांड क्या कर सकते हैं ये भी पता नहीं कि उनको क्या डिमांड करनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, यदि सरकार की ओर से कोई आउटपुट आया, सरकार के को सिस्टम कर लीजिए पॉलिटिकल सिस्टम की ओर से कोई आउटपुट आया तो उनकी भी उसको जानकारी नहीं है। आज भी हमारे समाज में देख लीजिए कि सरकारी योजनाएं बनती हैं, बजट के समय में हम सुनते हैं लेकिन वो धरती पर उतरी कि नहीं उतरी इसके प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसा फीडबैक जाना चाहिए था वैसा फीडबैक आता नहीं, और बिना फीडबैक की पहचान किए, बिना फीडबैक को बेस बनाए सिस्टम काम कैसे करती है ये हम सही से नहीं समझ सकते। तो जितने भी गैर पश्चिमी मुल्क थे या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे उनमें ये बाधा थी जी। और इसीलिए देखिए कि पश्चिम में क्या हुआ कि आर्थिक विकास, ठीक है, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक रूपांतरण, इन सबों ने मिल करके जो इसका परिणाम हुआ, इसकी वजह से वेस्ट में एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, इन सबों ने प्रेरित किया। और अब भारतीय समाज में देखें तो वो पॉलिटिकल सिस्टम था जिसको क्या करना था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, कल्चरल रिफॉर्म करना था, जो रिलीजियस डॉगमास थे उनको दूर करना था, ठीक है। तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनिंग वाज नॉट सिमिलर टू देयर वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स, ठीक है। इसीलिए यह संभव नहीं रह जाता है कि व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग करके जितने बेहतर तरीके से हम किसी डेवलप्ड कंट्रीज की, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री की, या यूं कहिए कि ऑटोमिस्टिक सोसाइटी की स्टडी कर सकते हैं, मैकेनिस्टिक सोसाइटी की कर सकते हैं, उसी तरीके से हम जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक कमी तो इसमें मुझे ये दिखती है और बड़ी जायज कमी है जी। ठीक है, अब अपने जीवन में भी देख लीजिए कि आपने किसी को डांट दिया, ठीक है, और डांटने के बाद वो आदमी है जो जिसको आपने डांटा उसकी ओर से आपको कोई फीडबैक नहीं आता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, ना हंसता है ना मुस्कुराता है,
है ना। हंसेगा तब भी ये फीडबैक है, गुस्सा करेगा तो ये भी फीडबैक है। कई बार ऐसा जीवन में होता है कि आप बड़े अचरज में पड़ जाते हैं कि भाई ऐसा हम एक्शन था मेरा, रिएक्शन में उधर से कुछ नहीं आया। तो कुछ इसी तरह की चीजें तीसरी दुनिया के देशों में हुआ करती थी। एक बात और इसकी कमी है कि, और ये यहां पर हम जो फॉल्सिफिकेशन का सिद्धांत है कार्ल पॉपर का, हम उसका प्रयोग करते हैं कि सिस्टम थ्योरी चूंकि संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन करने का प्रस्ताव रखता है, ठीक है, ये कंप्रिहेंसिव स्टडी है, इसका एरिया बहुत बड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में हम फॉल्सिफिकेशन का सहारा नहीं ले सकते हैं। इसके वैज्ञानिक होने या न होने को सिद्ध करने के लिए आप पूछेंगे कैसे। मान लीजिए कि हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसका हम फॉल्सिफिकेशन कहां से करेंगे, एक दूसरा ही ऐसा यूनिवर्स चाहिए होगा हमको, है ना, जहां इस तरह का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा हो वहीं जाके तो हम फॉल्सिफाई कर पाएंगे जो हमारे मान्यताएं होंगी, जो हमारी थ्योरीज बनी होंगी उसका, तो ये इसमें संभव नहीं रह जाता है। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यवस्था सिद्धांत की यह जो कुछ भी कमियां हैं, लेकिन इसने जो इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज के फील्ड में योगदान दिया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो डेवलप होने लग गए, उसने समाज विज्ञानों को और प्राकृतिक विज्ञानों को बहुत नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो हम ज्ञान के क्षेत्र में जितना विकास देखते हैं वह उतना संभव नहीं होता। और आप देखिए कि जो आज का कंप्यूटर विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान में आप देखिएगा तो आप कंप्यूटर में जब कोई सेंसेशन देते हैं ना जी, तो ये सेंसेशन ही आप उसको इनपुट के रूप में दे रहे होते हैं, है ना। हाँ। कीबोर्ड से आप उसको कोई सेंसेशन देते हैं, वो इनपुट है, वो क्या करता है कि उसको समझ करके आपको कोई आउटपुट देता है। एक सेंसेशन आपका समझा और वर्ड डॉक्यूमेंट लाके आपके सामने खोल दिया, ठीक है जी। ये उसकी ओर से दिया गया क्या था, आउटपुट। फिर आप एक सेंसेशन देते हैं फीडबैक के रूप में कि भाई इस वर्ड डॉक्यूमेंट में अब ये लिखना है जी। बात समझ रहे हैं। हाँ। तो ये इसी प्रक्रिया से काम करता रहता है। तो इनपुट, आउटपुट, फीडबैक और बीच में वो चीजें कि व्यवस्था काम कैसे करती है, ये सारी चीजें आती हैं डेविड स्टर्न के सिस्टम थ्योरी में और व्यवस्था सिद्धांत में। इसका महत्व कुछ कमियों के बावजूद आज भी उतना ही है जितना कि यह 50 और 60 के दशक में था। बहुत बहुत धन्यवाद सर।